तो आज का हमारा टॉपिक है एडाप्टिव हाफ मैन डिकोडिंग वाला पोर्शन। इनकोडिंग वाला पहले वाले में हो गया और आज हम शुरू करते हैं डिकोडिंग का पोर्शन। तो जिस जो प्रोसेस हमारा इनकोडिंग का था, नियर अबाउट सिमिलर प्रोसेस एडाप्टिव हाफ मैन डिकोडिंग का भी है। इस केस में हम करते क्या है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप फॉर डिकोडिंग। सो इन स्टेप्स में हमें करना क्या है, सबसे पहले रीड बाइनरी स्ट्रिंग। If encountered leaf node is NYT, then read next E-bit. If E-bit value less than R, then go to the required symbol, convert E plus 1 bit to decimal value of E plus 1 bit sample. Second, if E-bit value greater than R, then to get required symbol, convert E-bit to decimal value of E-bit plus R plus 1. अब ये क्या क्या रहा है, इसको हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप लोग देखो, तो इसमें क्या क्या रहा है, दिस वन की ये आवाज कहाँ से आ रही है, सभी लोग अपने आप को म्यूट करो पहले, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आवाज आ रही थी म्यूट करने पे। बंद हेलो, यस ठीक है। तो इसमें देखो चार्ट में क्या कह रहा है, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप में देखा वही यहाँ पे भी कह रहा है, बस इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। So it is given that is it NYT node? अगर NYT node नहीं है, no, then decode the सर element. आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, is NYT node जो हम node देख रहे हैं, that is NYT node. अगर NYT node नहीं है, then decode the element. आवाज क्लियर है अब? यस सर, अब क्लियर है ना? यस सर, यस तो सर, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला अगर आप लोग फ्लो चार्ट में देखोगे तो दिया हुआ है कि दैट इट इज एनवाईटी नोड। अगर ये एनवाईटी नोड नहीं है, देन वी डीकोड द एलिमेंट। इफ इट इज एनवाईटी नोड, देन अगर एनवाईटी नोड है तो रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी, और उसके बाद इज द बिट वैल्यू पी इज लेस देन आर, अगर पी की वैल्यू लेस देन आर है तो रीड वन मोर बिट, अगर नहीं है देन ऐड आर टू पी। ये आवाज कहां से आ रही है? सर किसी के बैकग्राउंड में चल रहा है। अब ठीक है, ओके। सो अगर यहां पे फिर से देखते हैं, इज इट इज एनवाईटी नोड, अगर एनवाईटी नोड नहीं है देन डिकोड एलिमेंट, इफ इट इज एनवाईटी नोड देन ई बिट आफ्टर एनवाईटी, रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी, देन इज द बिट वैल्यू पी इज लेस देन आर, अगर पी की वैल्यू लेस देन आर नहीं है देन ऐड आर टू पी, और अगर है पी की वैल्यू लेस देन आर है देन रीड वन मोर बिट, एंड आफ्टर रीडिंग वन मोर बिट डिकोड द करंट वैल्यू प्लस वन, और यहां पे भी अगर पी इज लेस देन आर नहीं था देन ऐड आर टू पी एंड डिकोड करंट वैल्यू प्लस वन। मीन्स दोनों के केस में हमें डिकोड करना है करंट वैल्यू प्लस वन, अगर पी इज लेस देन आर है देन रीड वन मोर बिट एंड डिकोड, और अगर नहीं है तो आर को पी के साथ ऐड करने के बाद हमें डिकोड करना। सो दिस इज द होल फ्लो चार्ट जो आपका पहला और सेकंड स्टेप बोला था। अब हमने जब इनकोडिंग पढ़ा था एडाप्टिव हाफ मैन इनकोडिंग, तो इसमें एक फॉर्मूला था और उस फॉर्मूला से हमने ई और आर की वैल्यू निकाला था, जो ई की वैल्यू 4 था और आर की वैल्यू 10। ये हमेशा सबके लिए फिक्स था, जहां पे एम इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज 26, देन ई की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 4 आया था एंड आर की वैल्यू 10 आया था।
हम यही ई और आर की वैल्यू लेकर के चलेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कृपया पिछला वीडियो देख लीजिएगा और वहां से पता चल जाएगा कि किस तरीके से ई की वैल्यू आ 4 एंड आर की वैल्यू 10 आया था। ये होल स्टेप है, इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है और फॉलो करते हुए अगर कोई डी कोड आया हुआ है तो उसको हम फिर से इनकोड कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल हमारा यही दिया, पूरा का पूरा सेम एग्जाम्पल ये है। अब इसे हमें डीकोड करना है कि हर एक बाइनरी वैल्यू के लिए कौन सा कैरेक्टर था, हर एक बाइनरी वैल्यू के लिए कौन सा कैरेक्टर था, इसी को हमें डीकोड करना। आगे बढ़ा जाए। यस सर, समझ में आ गया। प्रोसेस था वो प्रोसेस हमारा है और इसी को लेकर के हमें गिवन एग्जांपल के लिए हमें डिकोड करना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेट अस सी कि ये हमारा एग्जांपल था, दिस वन इज द एग्जांपल और ये हमारा कोड है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ एंड आफ्टर दिस ये हमने लिया था जहां पे बनाया हुआ है और ये स्टेप हम यहीं पे कर देते हैं, दिस वन, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल भी साथ में आ जाएगा और ये हमारा प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है उसको कैसे करेंगे एंड व्हाट इज आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा ये है कि जो गिवन कोड है इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एंड आफ्टर कॉपी वी हैव पोस्ट हियर पेस्ट हियर कि जो हमारा एग्जाम्पल है, दिस वन इज अ कोड, तो इसे हमें डिकोड करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर, यस सर, ओके। सो अब इसमें क्या बोला है, देखो, इज इट एनवाईटी नोड, अगर है तो हमें क्या करना है, रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी और अगर नहीं है तो डीकोड द एलिमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना, जिस तरीके से हम इनकोडिंग करते थे इनिशियल स्टेप में हम एक एनवाईटी नोड लेते थे, तो यहाँ पे भी देखो आपका एक एनवाईटी नोड लिया हुआ है और एनवाईटी नोड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है एंड एनवाईटी नोड रिप्रेजेंट बाई अ स्क्वायर। हम सबसे पहले एक एनवाईटी नोड बना लेंगे, प्रोसेस शुरू करने से पहले ही हम एक ट्री बनाएंगे और उसमें एक एनवाईटी नोड बना लेंगे, दिस वन इज अ एनवाईटी नोड। तो ये प्रोसेस भी हम फॉलो करते रहेंगे साथ साथ में ट्री को अपडेट भी करते रहेंगे, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, दिस वन, इस वन को रीड किया। दिस वन इज अ एनवाईटी नोड, दिस नोड इज अ एनवाईटी नोड। इनिशियल में एनवाईटी नोड क्या है कि यहां पे देखो कि जीरो है और अगले स्टेप में हम जीरो से वन से जीरो पे जा रहे हैं, मीन्स वन से एनवाईटी नोड पे जा रहे हैं तो जीरो मिल रहा है। जब हमें वन से एनवाईटी नोड पे जा रहे हैं और हमें लेफ्ट साइड में जीरो एक वैल्यू मिल रहा है तभी हम उसे कंसीडर करेंगे यस कि हमें इस नोड पे जाने के लिए वन जीरो मिल रहा है एंड दिस वन इज एनवाईटी। लेकिन इनिशियल में जब हम जीरो को रीड कर रहे हैं तो इसके लिए कोई एनवाईटी नोड नहीं है हमारा, अभी हमारा ट्री अपडेट नहीं हुआ, अभी हमने केवल कोड पढ़ा है, अभी कोई भी एनवाईटी नोड या कोई भी कुछ नहीं है, अभी हम केवल डीकोड करने के लिए वी हैव रीड सिंगल जीरो। सबसे पहला स्टेप हमारा वी हैव टू रीड सिंगल जीरो, तो हमने सिंगल जीरो को रीड किया, इज दिस एनवाईटी नोड। तो इनिशियल में हमारे पास कोई नोड है ही नहीं, कोई ट्री है ही नहीं, तो हमारा कोई भी नोड एनवाईटी नोड नहीं है, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया। अब प्रोसेस देखो, हमने क्या, क्लियर है? यस सर, यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना काम करना। दिस वन इज अ नोड, सॉरी दिस वन इज अ कोड जिसे हमें डिकोड करना है और डिकोड करने के लिए हमारा यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं जो फ्लो डायग्राम हमने ऊपर दिया था। सेम दिस वन इज द स्टेप टू फॉलो कि डिकोड हमारा कहाँ से होगा। मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू ड्रॉ अ एनवाईटी नोड, वी हैव टू ड्रॉ अ एनवाईटी नोड, दिस वन इज एनवाईटी नोड और इसकी इनिशियल में वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है।
यस सर। हेलो, यस सर। ओके, सो हमने सबसे पहले जीरो लिया और ये हमारा एनवाईटी था। हमने पहला कोड पढ़ा कि दिस जीरो इज एनवाईटी। अगर एनवाईटी है देन रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी। यस, हमारा ये एनवाईटी नोड है जीरो, देन रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी। तो रीड ई बिट, ई की वैल्यू कितनी थी? What is the value of E? आपने ऊपर देखा था, then E की value 4. तो कितनी है? 10 है। अगर ये कहां से निकल के आया, ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? So बोल रहा है कि read E bit, read E bit after NYT, E की value 4, then we have read 1, 2, 3, 4, 4 value read किए E की, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है read E bit. E की वैल्यू 4, देन वी रीड 4 बिट। दिस 4 इज बिट वैल्यू ऑफ P, मींस इसकी वैल्यू, दिस वन जो हमने रीड E किया हुआ है, इसकी वैल्यू को बोल रहा है P। तो 4 टाइम्स 0 है, इसका डेसिमल नंबर कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। एंड दिस डेसिमल नंबर इज कॉल्ड P। तो क्या 0 की वैल्यू लेस देन R है? R इज 10, तो क्या 0 इज लेस देन 10 है? Yes. है ना? तो अगर S हो रहा है तो read one more bit, read one more bit, read one more bit means ये 0 हमें अगेन रीड करना पड़ेगा और ये चारों पहले से था। So read one more bit, read one more bit किया, उसके बाद हमें क्या करना, decode the current value plus 1। इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 5 टाइम्स 0 का डेसिमल वैल्यू 0 एंड प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 किसका सीरियल नंबर होता है? A का होता है। A का होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है ना। सो दिस 5 टाइम्स 0 इज A होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जब हमें कोई भी डिकोड कर लिया, फिर अपने आप के ट्री को अपडेट करना है। हमें क्या करना है? ट्री को अपडेट करना है, एंड वी फॉलो द सेम प्रोसेस कि जो हमने डिकोड करते समय ट्री को अपडेट किया था। डिकोड करते समय ट्री का जो अपडेशन है, सेम प्रोसेस यहां पे भी फॉलो करेंगे। So, जब हमने सिंगल टाइम ए रीड किया, देन दिस एनवाईटी नोड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में ब्रेक होगा और इसके दो चाइल्ड बनेंगे। वन चाइल्ड इज एनवाईटी नोड एंड सेकंड चाइल्ड इज ए, जो हमने रीड किया हुआ, दैट इज वैल्यू निकाली। तो एनवाईटी नोड ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड और ए जो हमने रीड किया हुआ वो राइट साइड आ जाएगा। And we update the value of A. A का serial number कितना है? A है। So we update the value of A. 0 plus 1 is equal to 1. तो left 0 यहाँ पे था, इसको दो part में हमने split किया। First one is NYT goes on the left side and second part is a one, A goes on the right side. And हमने Hoffman code में देखा है कि node से left वाला portion को 0 और राइट वाले पोर्शन को 1 से कोड करते हैं। सो रूट नोड से जब हम एनवाईटी पे जाएंगे तो दिस वन इज 0, और रूट नोड से जब हम राइट साइड में मिस ए पे जाएंगे तो दिस वन इज 1। तो 0 से 1 कंसीडर करके ए पे जा रहे हैं, तो ए का नोड 1 हो जाएगा, ए के नोड की वैल्यू 1, और रूट नोड से एनवाईटी पे जा रहे हैं 0, तो एनवाईटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोड? This one is a 0 plus 1, add of NYT plus A, so 0 plus 1 is equal to 1, so 1 is the key value for root node. Clear? Yes, sir. Okay, तो हमने tree को update कर दिया, जब tree को update किया, तो हमारा ये बन के आया tree. After tree updation, फिर से हम अगला अपना ये flow chart में जो भी process दिया हुआ, इसको follow करेंगे. So, अगला फिर से हम follow करते हैं, कि is NYT node, जो हमने one read किया, is this is NYT node, ये हमारा one NYT node है? नहीं,
जी वन से जब हम जीरो फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो जीरो एनवाईटी नोड मिल रहा, वन तो हमारा ए मिल रहा है ना, क्लियर है? यस सर। बीच में हाँ बोलते रहो, जब मैं पूछूं तो हाँ बोलते रहो। सो जब हमने वन रीड किया तो वन रीड करने के बाद अगेन वी चेक इज इट एन एनवाईटी नोड, तो हमने वन के लिए एनवाईटी नोड चेक किया, नहीं एनवाईटी नोड तो जीरो था, वन तो एक ही वैल्यू थी, no this is not NYT, then we decode the element, means this one को जब हम decode करेंगे simply, तो ये one किसका serial number है, A का है, clear? Yes sir. So this one is for A, तो हमने जो ये example लिया हुआ है, ये example हमारा यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ था, तो this one for A. अगेन फिर से हम डीकोड कर लिए, फिर हमारी बारी आती है ट्री को अपडेट करने की, तो ट्री को अपडेट करेंगे फिर से, हमारा ट्री को अपडेट करते समय जब हमने एडाप्टिव हाफ में डीकोडिंग वाला पोर्शन पढ़ा था तो उसमें सेकंड स्टेप ये था कि इफ द नोड इज अगेन रिपीट, मींस ए अगेन रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे पहले भी ए मिला था, फिर से ए मिल रहा है, मींस ए रिपीट हो रहा है, if value is repeated then we increment that value, only increment that value, so hum keval is a ko increment karenge, abhi 1 tha, agle bar jab hum t ko update karenge then this one is will become 2, keval hum update karenge aur koi kaam nahi karenge, so update 1 se karenge, 1 plus 1 is equal to 2, so this a ki value 2 hui, again 2 plus 0 is equal to 2, then 2 is the key value for root node, 0 left side में देंगे और 1 right side में देंगे, is it clear यहां तक? Yes sir. Okay, fine. So हमारा tree update हो गया, अब आते हैं अगले node पे, this one 0. So again फिर से same step follow करेंगे, is this NYT node, क्या 0 NYT node है इस tree में? Yes, 0 NYT node है कि नहीं है? है ना? Yes sir. So 0 NYT node. Yes. Then read E bit after NYT. इसके बाद हमने E bit means 4. 1, 2, 3 and 4. This. Read E bit of after NYT. तो हमने 4 bit read किया after NYT. Is the bit value P? क्या 00010 का डेसिमल नंबर कितना होगा? 8 होगा. 14 टाइम्स 0 डेसिमल वैल्यू 8 होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी. यस सर. यस. सो इज 8 लेस देन 10? पी की वैल्यू 8 एंड आर की वैल्यू 10, क्या 8 लेस देन 10 है? यस yes. Then read one more bit. Yes. Then read one more bit. Means again हमें one वाला भी read करना पड़ेगा. Means अब हमारा हो गया इतना portion. Read one more bit and decode the current value. Now this is 10001. इसको decimal में convert करेंगे. तो this one is a 2 की power 0. 2 की power 1. Means 0, 2, 4, 8, 16. 16 plus 1. 17 हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. का डेसिमल वैल्यू 17 हुआ एंड 17 प्लस 1 क्या हो गया? 18. और 18 का सीरियल नंबर क्या होता है अल्फाबेट में? देन 18 इज इक्वल टू आर. क्लियर? यस सर. क्लियर है कि नहीं है? अब डीकोड हो गया, फिर से हमें क्या करना है? ट्री को अपडेट करना है. मैंने क्या बोला आपको? डीकोड देन अपडेट, फिर से डीकोड फिर अपडेट, फिर डीकोड फिर अपडेट. जितनी बार हम डीकोड करेंगे उतनी बार ट्री को अपडेट करेंगे. तो हमने डीकोड कर दिया, हमारी वैल्यू आर मिली, अब फिर से ट्री को अपडेट करेंगे. तो इस आर को हम क्या करेंगे? फिर से ऐड करेंगे ट्री में. तो ट्री को अपडेट करने का प्रोसेस क्या होता है? एनवाईटी नोड विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, मींस एनवाईटी नोड कंटेन टू चाइल्ड, लेफ्ट साइड इज एनवाईटी नोड एंड राइट साइड इज विच नोड, जो नोड हमने डिकोड किया, दिस आर. सो दिस जीरो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट इज एनवाईटी एंड राइट साइड इज आर.
लेफ्ट को जीरो राइट को वन, सो एन वाई टी के वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन, और इन जीरो प्लस वन को अपडेट किया, ऐड किया, देन दिस इज वन, देन दिस वन प्लस टू ऐड हुआ तो दिस वैल्यू इज, लेफ्ट साइड जीरो राइट साइड वन, लेफ्ट साइड जीरो राइट साइड वन, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब अगले वाले कैरेक्टर को फिर से हम रीड करेंगे, अगला डेसिमल नंबर जो दिया, सॉरी बाइनरी नंबर दिस जीरो, जब हमने जीरो को रीड किया, सो दिस जीरो इज एनवाईटी, इज एनवाईटी नोड, दिस जीरो, दिस जीरो इज एनवाईटी नोड। अब देखो ट्री हमारा यहां पे अपडेट हुआ था ना, दिस वन इज अपडेटेड ट्री, यहां पे देखो रूट नोड से जीरो अगेन जीरो, तो दो बार जब जीरो दे रहे तो एनवाईटी पे पहुंच रहा है, दिस कंसीडर जीरो जीरो एनवाईटी नोड, दो जीरो देने पे हमें एनवाईटी नोड पे आ जा रहा है, यस दिस इज एनवाईटी नोड, देन रीबीट रीड ई बीट आफ्टर एनवाईटी, रीड ई बीट आफ्टर एनवाईटी, ई की वैल्यू फोर, देन आफ्टर दिस वी रीड फोर वैल्यूज, वन टू थ्री फोर, ठीक है, अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें देन दिस वैल्यू इज वन, एंड वन इज लेस देन आर मींस वन इज लेस देन टेन, देन हम क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन रीड वन मोर बिट, means read one more bit means again we add this one to this process, this whole string, so hamara double one mila, and decode the current value plus one, double one ke liye hamara code kya milega, 0 1, 2 ki power 0 2 ki power 1, so decimal value kitni ho gayi, 3, 3, weak nahi weak, 3, and yes, sir. plus 1 karenge because here we write current value plus 1, तो 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड 4 किसका होता है, यस सर डी का, डी का होता है, यस सर, अगेन हमने डिकोड कर दिया, फिर से क्या करना पड़ेगा, इस ट्री को अपडेट करना पड़ेगा, इस ट्री को जब हम अपडेट करेंगे देन अगेन एनवाईटी नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स left and right, so this NYT again divided into two parts, left and right, left is NYT node and right side jo humne read kiya, right side humne d read kiya hua hai, to d left goes to zero and right ka portion one hoga, again NYT node zero aur d ki value one, tree ko update kar denge, 0 plus 1 1, 1 plus 1 is equal to 2, 2 2 plus 2 is equal to 4, clear sir? Yes, बोलो, हेलो, ओके आगे चलते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से ये प्रोसेस पे आए कि इज इट एनवाईटी नोड, यहां पे देखो कि ये जब हम ट्रिपल जीरो लेकर के चल रहे हैं रूट नोड से, 1 0 2 0 3 टाइम्स 0, तो जब ट्रिपल जीरो लेकर के चल रहे हैं तो एनवाईटी पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, यस सर पहुंच रहे हैं, दिस इज एनवाईटी, देन रीड ई बिट आफ्टर एनवाईटी, ई मींस 4, इसके बाद हमें 4 बिट रीड करना है, दिस वन इज अ 4 बिट, 1011, रीड ई बिट ऑफ एनवाईटी इज द बिट वैल्यू पी इज लेस देन आर, देन 1101, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 11 होगा कि नहीं होगा, दिस 1011 11 होगा डेसिमल वैल्यू, 1, 2 और 8, तो 8 2 10 प्लस 1 11, 11 होगा, इज 11 लेस देन 10, इज 11 लेस देन 10, नो नो सर, एड आर टू पी, आर इज 10 और पी इज इक्वल टू 11, तो 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21, एंड डीकोड डीकोड करंट वैल्यू प्लस 1, 21 प्लस 1, 22 किसका होता है, V का, तो V हमें मिल गया,
अगेन हम क्या करेंगे, टी नोड थ्री को अपडेट करेंगे, देन दिस एनवाईटी नोड अगेन अपडेटेड मींस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट वन इज द एनवाईटी नोड एंड राइट वन इज द डिकोडेड नोड, दैट इज अ वी। सो इसको फिर से अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद ये हुआ कि हमारा बी वन इज एनवाईटी नोड, एनवाईटी नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट इज एनवाईटी, राइट साइड इज अ वी। अगेन इसको हम नंबरिंग करेंगे, दिस वन 0 1 0 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, और जो हमने डाला है दैट नोड की वैल्यू इज 1, तो 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने डिकोड पढ़ा था तो डिकोडिंग में बताया गया था एडेप्टिव मैन के, कि एडेप्टिव मैन हाफ डिकोडिंग में क्या होता था कि अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट की वैल्यू, देखो यहाँ पे 3 और 2, लेफ्ट की वैल्यू राइट से ज्यादा हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, लेफ्ट की वैल्यू राइट से ज्यादा हो जा रही है, देन हम स्वैप कर देंगे। तो जब स्वैप किया तो यहाँ पे देखो कि हमने स्वैप किया अभी 2 1 को, बिकॉज हियर 2 और 1 भी हमारा क्या था, उल्टा था, कि यहाँ पे हमारा ज्यादा वैल्यू थी और राइट साइड वैल्यू कम थी, तो 1 को हम 2 की जगह पे लेके जाएंगे और 2 को 1 की जगह पे लेके जाएंगे, तो 1 को 2 की जगह पे लेके आ गए और 2 को 1 की जगह पे लेके आ गए। 1 के सब ट्री, सॉरी 2 का जो सब ट्री होगा वो यही होगा जो यहाँ पे 2 का सब ट्री है, ठीक है। तो 2 का सब ट्री हमारा ये हो गया। अगेन वी हैव अपडेटेड दिस कि यहाँ पे 3 2 है, तो 2 वाला हमारा 3 का पोजीशन ले लेगा और 3 वाला 2 का पोजीशन ले लेगा, एंड वी फॉलो द सेम प्रोसेस कि जो 3 का सब चाइल्ड सब ट्री है वो एज इट इज 3 का सब ट्री यहाँ पे बन जाएगा और 2 जैसे है वैसे 2 यहाँ पे चला जाएगा। एंड अगेन जब हम यही प्रोसेस पढ़ेंगे आगे की तरफ करते चले जाएंगे, तो अगेन वी रीड 0, रीड 0, तो जब 0 की तरफ रीड करेंगे तो 0 की तरफ रीड करने पे हमें 2 मिला, ये 0 2 वाला स्वैप होकर के इधर आ जाएगा, तो जब स्वैप होकर के इधर आ जाएगा तो इधर 2 और इधर 3 हो जाएगा और 2 के लिए हमारा 0 मिला, तो जब 0 को रीड करेंगे तो क्या 0 हमारा एनवाईटी नोड है, नहीं है, then we simply decode this, simply decode this value, और यही प्रोसेस आपका सेम फॉलो होता चला जाएगा, और फॉलो होने के बाद जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा डिकोडिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होल प्रोसेस है डिकोड करने का एडाप्टिव हाफ में डिकोडिंग, आप लोग इसे करिएगा जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जिस तरीके से, उस तरीके से करते रहिएगा और एट लास्ट आपको ट्री मिल जाएगा। फिर भी अगर में आता है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप ट्री बना करके जैसे मैंने बताया, पहले डिकोड करेंगे, देन ट्री को अपडेट करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर ट्री को अपडेट करेंगे, इस तरीके से करते रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेसिमल स्ट्रिंग, सॉरी बाइनरी स्ट्रिंग कैरेक्टर के फॉर्मेट में डिकोड होता हुआ चलता चला जाएगा, और पूरा एक्सप्लेनेशन हर एक स्टेप के बाद क्या हो रहा है ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यस सर, समझ में आया। तो yes, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत ही सिंपल कोड है ये एडाप्टिव हाफमैन डिकोडिंग और कोडिंग, ये बहुत ही सिंपल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप